आज का हमारा टॉपिक है संसाधन, रिसोर्सेस। तो रिसोर्सेस, जैसे कि नाम से ही विदित है, रिसोर्सेस, RESOURCE, ये इसकी स्पेलिंग है। RE का मतलब है दीर्घ अवधि और सोर्स का मतलब है साधन। तो दीर्घ अवधि के साधन जो हैं वो रिसोर्स हैं। तो क्या पृथ्वी पर जो पाए जा रहे हैं स्टॉक के रूप में, क्या वे सभी संसाधन हैं? नहीं। संसाधन हम किसे कहेंगे? संसाधन हम उसे कहेंगे कि पृथ्वी पर जो भी पदार्थ पाए जा रहे हैं, यदि वे मानव उपयोगिता के बन जाते हैं तो वे संसाधन की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो संसाधन जो है, इसके लिए अलग अलग भूगोलवेताओं ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, जिसमें आपका संसाधन की अलग अलग कैटेगरीज दी है। सबसे जैसे जिम्बरमैन जो है वो संसाधन के बारे में कहते हैं, संसाधन पर्यावरण की वे विशेषताएं हैं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम मानी जाती है। उन्हें मनुष्य की आवश्यकताओं और क्षमताओं द्वारा उपयोगिता प्रदान की जाती है। तो पहली चीज़ तो ये मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम, क्योंकि विदित पदार्थ इतने सारे हैं, कई ऐसे पदार्थ हैं जो आज से कई सदी पहले उनकी उपयोगिता नहीं मालूम थी, और वे पदार्थ पृथ्वी पे थे, लेकिन क्योंकि उनकी उपयोगिता नहीं मालूम थी तो वे संसाधन की कैटेगरी में नहीं थे। लेकिन जैसे ही वे पदार्थ तकनीकी कारणों से और आपकी जो भी आवश्यकताएं, अगर जब आवश्यकताएं होती तो आविष्कार भी होते हैं, और आविष्कार के बाद जब ये मानव उपयोगिता के बन जाते हैं तो ये जो स्टॉक में पड़े हुए पदार्थ हैं, ये पदार्थ संसाधन की कैटेगरी में आ जाते हैं। इसी प्रकार संसाधन के लिए मैकनॉल कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन वे संसाधन हैं जो प्रकृति द्वारा प्रदान किए जाते हैं तथा मानव के लिए उपयोगी होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, हर पदार्थ संसाधन की कैटेगरी में नहीं है। जो पदार्थ मानव के लिए उपयोगी है वे संसाधन की कैटेगरी में है। तो हम संसाधन जो है उसको हम देखें तो हम इसकी संसाधन कितने प्रकार के होते हैं या कौन कौन से हो सकते हैं, ये संसाधन आपके कैटेगराइज हम कर सकते हैं संसाधन के प्रकार। ये आपके प्राकृतिक संसाधन कई तरह की कैटेगरीज है, उसमें मेनली ये है प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो प्राकृतिक संसाधन में आपके कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे कि वायु है, हम सबको पता है वायु की आवश्यकता क्या है, प्राणवायु है, सांस लेने के लिए तो इसकी मनुष्य की उपयोगिता है ही। इसके अलावा वायु में कई ऐसे पदार्थ हैं जिसको यूज़ किया है, जैसे नाइट्रोजन बल्ब में यूज़ हो रहा है, वायु में जो पाया जा रहा है, ऐसे ही वायु हमारी उपयोगिता की है, तो ये आपका प्राकृतिक संसाधन हुआ। इसी तरह से सौर ऊर्जा है, सूर्य की ऊर्जा है, वह भी आपका प्राकृतिक संसाधन है, हम सब जानते हैं सौर ऊर्जा की उपयोगिता। इसी प्रकार आपका जल है, जल पीने के उपयोग में तो आ ही रहा है, उसके अलावा कई सारे उपयोग हैं जल के। आप जल जो है आपके घरेलू कार्यों में काम में आ रहा है, आपके कृषि में काम में आ रहा है, जल विद्युत में काम में आ रहा है, विनिर्माण उद्योगों में काम में आ रहा है, कचरा बहाने के काम में आ रहा है, कई तरह के काम में आ रहा है जल। अब वापस से मैं रिपीट कर रही हूँ, पहला मैंने प्राकृतिक संसाधनों में बोला वायु। वायु हम सांस लेने के लिए भी उपयोग में लेते हैं, और वायु से कई तरह की, वायु में जो पाई जा रही है जैसे नाइट्रेट पाई जा रही है, उससे हमारा बल्ब बन रहा है। सौर ऊर्जा दूसरा है, सूर्यातप हम सब जानते हैं इसकी उपयोगिता, जीव जंतुओं को शक्ति प्रदान करता है, सभी को, वनस्पति जीव जंतु सभी को शक्ति प्रदान करने में सौर ऊर्जा का एक महत्वपूर्ण स्थान है। तीसरा हमारा जल हो गया। चौथा प्राकृतिक संसाधन जो है वो हमारा है भूमि। भूमि हम सब जानते हैं, भूमि जो आपकी ज़मीन है उस पर आप बस्तियां बनती है, उद्योग धंधे स्थापित होते हैं, पशुचारण के काम आती है, पशुपालन के काम आती है, व्यापार परिवहन आदि की सक्रियताओं उन सब के काम में आ रही है। तो भूमि की अपनी उपयोगिता है जिस पर हम निवास करते हैं। अगला संसाधन हुआ आपका मिट्टी। मिट्टी हम सब जान रहे हैं, मिट्टी जो है एक प्राकृतिक संसाधन है, ये हमारी आवश्यकताएं जो भोजन वस्त्र और निवास इस तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति में मिट्टी का एक सहायक रोल है। और मिट्टी से ही हम वनस्पति, जो हमारा भोजन बनता है वो मिट्टी से ही बनता है। तो
प्रत्यक्ष रूप में तो शाकाहारी लोगों का तो प्रत्यक्ष भोजन है, और मांसाहारी लोग जो है परोक्ष रूप से वो, क्योंकि जीव जंतु उसको खा रहे हैं और फिर उसकी जो फूड चेन को देखें तो परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से भूमि हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो, ये भूमि बहुत उपयोगी है हमारा, क्योंकि भोज्य पदार्थ एक तरीके से इसी से बन रहा है। कृषि जो हो रही है जिस पर संसार की 3/4 आबादी निर्भर है, वो जो आपकी है मिट्टी से ही ये हो रही, तो मिट्टी की अपनी उपयोगिता है, हम मिट्टी की उपयोगिता को नहीं कर सकते। तो ये 5वां प्राकृतिक संसाधन। 6ठा है वनस्पति। वनस्पति के लिए कहना, हम सब जानते हैं वनस्पति की क्या उपयोगिता है, वन घास झाड़ियाँ ये सब वनस्पतियाँ जो हैं इनसे हमें वन से कंदमूल फल मिलते हैं, इमारती लकड़ी मिलती है, औद्योगिक कच्चे माल के लिए काम में आती है, घास स्थल झाड़ियाँ, पशुचारण, और सबसे बड़ी बात जनसंख्या जो इतनी सारी है उसके भोजन जो है वो आपको वनस्पति द्वारा ही प्राप्त हो रहा है, अधिकांश भोजन उसी से प्राप्त हो रहा है। कई तरह के विनिर्माण उद्योग में जैसे कागज लुगदी, दिया सलाई, आर्टिफिशियल रेशम, रबड़, ये सब आपका वनस्पति से ही मिल रहा है। 7वां हमारा अगर देखें प्राकृतिक संसाधन कौन सा हुआ तो ये है जीव जंतु। अब जीव जंतु आप देख रहे हैं जो पशु से घनिष्ठ संबंध रखता है, पशु जंगल में जो पशु पाए जा रहे हैं उनका भी अपना महत्व है क्योंकि फूड चेन में उनका महत्व है। उसके अलावा जैसे मत्स्य उत्पादन, मछली पकड़कर उसको भोजन के लिए रूप में काम में ले रहा है मनुष्य, तो आखेट मत्स्य पशुओं का पालतू रूप में बना रहा है, जैसे गाय है भैंस है इनको घर पे पाल रहा है, जैसे दूध डेयरी प्रोडक्ट्स वो सब प्राप्त कर रहा है, दूध मांस डेयरी प्रोडक्ट्स, इनसे रेशे प्राप्त कर रहा है, इनसे खाले प्राप्त कर रहा है, इनसे सींगे प्राप्त कर रहा है। तो पशुओं का अपना महत्व है और ये प्राकृतिक संसाधन है और मानव उपयोगिता के संसाधन है, तो इनकी अपनी इम्पोर्टेंस है। 8वां संसाधन है खनिज। हम सब जानते हैं कि खनिज पदार्थ जो है अति मूल्यवान संसाधन है, जो खनिज पदार्थ है ये खनिज पदार्थ ईंधन के रूप में भी हो सकते हैं, धातुओं के रूप में भी हो सकते हैं, इनसे कई तरह के औजार, बर्तन, यंत्र और अन्य कई बहुमूल्य वस्तुएं बनाई जाती है जो मानव उपयोगिता की है। तो ये तो आपका हो गया सारे प्राकृतिक संसाधन। अब आपका होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन के बाद दूसरा कैटेगरी अगर हम करें तो वो हो गया आपका मानवीय संसाधन। मानवीय संसाधन क्या होगा? मानवीय संसाधन में पहला तो किसी प्रदेश की जनसंख्या, कहीं पे जनसंख्या अधिक है कहीं पे कम है। जनसंख्या अधिक है तो उसका कार्यशील जनसंख्या कितनी है, वो देश की प्रगति में कितना योगदान देती है, तो जनसंख्या अपने आप में महत्वपूर्ण है। अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, व्यक्ति समूह में रहता है, तो समूह में रह कर के जो जनसंख्या किसी राष्ट्र की अपना एक संसाधन होता है। तो संसाधन किसी प्रदेश की मानवीय संसाधन में पहला तो जनसंख्या आ गया, दूसरा सामाजिक संगठन, जो जनता का सामाजिक संगठन है जिससे कि मानवीय जनसंख्या का उपयोग प्रभावित होता है, जैसे कहीं पे पूंजीवाद है कहीं पे साम्राज्यवाद है, जनसंख्या में ये जो सामाजिक संगठन है जिसके द्वारा व्यक्ति प्रगति करता है किसी राष्ट्र विशेष की, तो वो भी एक संसाधन है। तीसरा आपका आ गया सांस्कृतिक प्रतिरूप। सांस्कृतिक प्रतिरूप में आपका आ गया किसी प्रदेश के विज्ञान व तकनीकी का स्तर। विज्ञान व तकनीकी के स्तर से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कहीं पर टेक्नोलॉजी इतनी डेवलप्ड होती है कि कई तरह के संसाधन बहुत ही एडवांस अवस्था में मिलेंगे, जैसे कि डेवलप्ड नेशन आप अमेरिका ले लो, जर्मनी ले लो, यहाँ की टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप्ड है। तो हमारे यहाँ पर वो उनके यहाँ के जो बहुत अत्यधिक तकनीकी, तो तकनीकी अपने आप में एक संसाधन की तरह काम में करता है मानवीय संसाधन की, क्योंकि तकनीकी प्रतिरूप बहुत इम्पोर्टेंट होता है। जहाँ की टेक्नोलॉजी डेवलप्ड है वहाँ पर आपको विकास का स्तर उच्च मिलेगा, तो ये भी एक संसाधन में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अब हम जो मेन इम्पॉर्टेंट आज जो हमने पढ़ा है रिसोर्स के बारे में पढ़ा, तो सबसे वापस मैं समअप करके आपको बताती हूँ कि स्टॉक का केवल वह भाग जो संसाधन बनता है
कौन सा संसाधन? स्टॉक का केवल वह भाग संसाधन बनता है जो मानवीय आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, निवास, ऊष्मा आदि की पूर्ति करता है। तो स्टॉक में कई तरह के पदार्थ हो सकते हैं, पता नहीं पृथ्वी के अंदर कितनी तरह के पदार्थ हैं, लेकिन हमें उनका ज्ञान नहीं है, हमें अभी तक उनका उपयोगिता पता नहीं है। केवल वे पदार्थ जिनकी उपयोगिता है मनुष्य के लिए, मनुष्य के भोजन, वस्त्र, निवास, ऊष्मा, इन सब की पूर्ति करने के लिए जो उपयोगी है, वही संसाधन है। और तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होते रहने के साथ, क्योंकि आज से 200 साल पहले कई ऐसे पदार्थ थे जो संसाधन नहीं थे, लेकिन आज वे संसाधन की कैटेगरी में, क्योंकि आविष्कार हुआ, आविष्कार के बाद इनकी महत्ता पता चली और महत्ता पता चलने के बाद वे संसाधन की कैटेगरी में आ गए, मानव उपयोग में लिए जा रहे हैं। तो तकनीकी, आर्थिक, सामाजिक दशाओं में परिवर्तन होते रहने के साथ साथ संसाधन में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो आज के लिए मैं इतना ही समाप्त करूंगी संसाधन, फिर नेक्स्ट टॉपिक आपके लिए लेकर आऊंगी। तब तक के लिए आप इस टॉपिक को अपनी बुक में मार्क कीजिए, पढ़िए। संसाधन भूगोल की जो बुक है आपकी, वो कई सारे कौशिक की भी है, उसके अलावा एसडी कौशिक के अलावा आप संसाधन भूगोल की और भी अलका गौतम की बुक रेफ़र कर सकते हैं। एसडी कौशिक अलका गौतम ने जो कोलैबोरेशन में बनाई है वो बुक कर सकते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज की कई सारी बुक्स हैं, तो आप उन बुक से भी मदद ले सकते हैं। मेरे वीडियो और नोट्स आप अच्छे से देखेंगे तो आप अच्छे से ये कर लेंगे। दूसरी चीज़, कोरोना अभी चल रहा है, आप बाहर निकलें तो मास्क लगा के निकलें, हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहें, धोते रहें और अपना ध्यान रखें। ऑल द बेस्ट।